होते हैं, किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। पार्टिकल भाई पार्टिकल अभी आपका ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हुआ, ये पार्टिकल हुआ, ये सब क्या है, इसके मैटर के पार्टिकल से, ठीक पार्टिकल है। मान लीजिए थोड़े बड़े बड़े, तो ये जो हमारा पूरी जो एक क्या कहते हैं सीट थी, जो मान लीजिए स्पेस है, तो ये क्या है, इसमें कई पार्टिकल मिलके ये स्पेस का मेकिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। सेकेंड है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस अपने आप पूरे मूव करते रहते हैं। जब हम क्या कहते हैं दूध को, ऑयल को या वाटर को हम कहीं रखते हैं, तो ये क्या करते हैं कम से ज्यादा की ओर ये कंटिन्यूस आते जाते हैं। इसका मतलब ये अभी इनके जो पार्टिकल होते हैं ये सब क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड लास्ट आपका पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया कि पार्टिकल जो होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल मैटर क्या होते हैं। फिर आते हैं इनके स्टेट पढ़ने, इनके थ्री स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इसके डिफरेंस को कैसे क्लियर करते हैं पता है सर कैसे? जो गैस होती है सर वो भाप में होती है, हाँ उसका उसको और सर जो लिक्विड होता है वाटर के टाइप में होता है, और हाँ सर जो लिक यस सर जो सॉलिड है, सॉलिड होता है सर वो आइस ब्रिक सर जैसे वेट चीजों में होता है सर, जो वेट मास में होता है। हम इसको साइंटिफिक वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है। यस सर एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिक वे में। अब ये नहीं कि सर ये पानी है तो ये लिक्विड है, सर ये उड़ रहा है तो ये एयर है। साइंटिफिक वे कहता है कि आप अगर एक्सप्लेन कीजिए सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है या गैस क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। साइंटिफिक में प्रिया, ये चीज बताई होगी आपको प्रेस प्रिया, कि आप लोगों को मैम ने एक्सप्लेन किया होगा कि ये जो सॉलिड्स में होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत क्लोजर होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजर ये बताया गया था प्रेस प्रेस, यस ये मैम ने बताया होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत नियरर होते हैं, ठीक है, सर एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में उस एज कम्पेयर टू गैस नियर होते हैं, और लास्ट वाला जो हमारा गैसियस स्टेट होता है उसमें पार्टिकल सबसे दूर दूर स्टेट में होते हैं, एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। इसी जो स्पेस साइज को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, तो क्या कह रहे हैं जो इनके बीच में स्पेस होता है उनको क्या बोलते हैं पता है, कह सर, आवाज स्लो आ रही सर आपकी। रहे जो इनके बीच की स्पेस होती है हम उसको क्या बोलते हैं पता है, यस एक्सप्लेन कराया गया था। सर ये पार्टिकल्स के बीच की हाँ तो जो स्पेस होती है हाँ सर, जो स्पेस होती है अब आप जब पेज खोलेंगे अपना पेज 4 खोलिए, देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर ओपन कीजिए, या फेस्ट बुक है यस नहीं आपके पास, यस देखिए लिखा है, सर यस फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडेन, देखा वुडेन स्टिक ओपन हो गया। सर पेज नंबर 4 है स्टेट्स ऑफ मैटर, मिला
पेज नंबर 4 नहीं है सर, इसमें हम लोग में सर पेज नंबर 7 से स्टार्ट चैप्टर। अच्छा पेज नंबर 7 से स्टार्ट है, तो उसमें जब आप 7 पेज चैप्टर स्टार्ट है तो आप जब खोलोगे 1 2 3, जब पेज नंबर 1 का चैप्टर 1 का पेज नंबर 4 ओपन कीजिए, चैप्टर 1 का पेज नंबर 4 ओपन हुआ। यस सर मिला, स्टेट्स ऑफ मैटर बोल्ड में लिखा हुआ है। यस सर यस सर, उसी नीचे लिखा है द सॉलिड स्टेट, ये आपको मिला? यस सर मिल गया, द सॉलिड स्टेट। यस सर ठीक है, आयरन कॉपर गोल्ड शुगर। हाँ तो इसमें लिखा है, देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग आइटम्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, स्केच द शेप ऑफ एवर आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब कह रहा आप एक पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, एक वुडन स्टिक लीजिए और इसको आप अपने पेंसिल से इनकी एक स्केच बनाइए, ठीक है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी क्या है, डेफिनेट शेप है, जैसे कि पेन है तो पेन है, स्टिक है तो स्टिक है, आपकी वुडन स्टिक है, ठीक है, और एक क्या है, बुक है, आप किसी को बुक मान लीजिए, आप भाई ये कह रहे हैं पेंसिल की मदद से इसकी एक शेप बनाइए। अब इसमें हम देख रहे हैं इसकी क्या है, डिफरेंट शेप मिल रही है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मिले हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम मिला है। वॉल्यूम मीन्स पता है सर, सर वॉल्यूम, हाँ सर वॉल्यूम। रिया दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो उल्टी बनी यस सर, दो चीजें होती हैं, एक एरिया एक वॉल्यूम, इनमें डिफरेंस यस सर, एरिया और वॉल्यूम में। हाँ रिया, रिया चली गई क्या? फिर एरिया को हम कभी जब मैं सॉल्व करेंगे। हाँ सर, एरिया और सर टू डायमेंशन होती है क्या? हाँ या कह सकते हैं, और सर वॉल्यूम सर 3 होता है। हाँ तो वॉल्यूम इसमें आता क्या है, क्या पूछे? वॉल्यूम में आता क्या है, एरिया का, रेक्टेंगुलर का एरिया आपने पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया सर, रेक्टेंगल तो इसमें आपने देखा होगा एल बी आता है, इसमें आपका है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एल, देखा है? देखा है फ्रेश? हेलो फ्रेश? यस सर, एरिया में होता है क्या होता है, टू डायमेंशन, जैसे आपने बोला वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फ्रेश? 2 सर, एरिया के जो 2 डायमेंशन होते हैं। हाँ तो इसकी यूनिट जो होती है हम दिखाते हैं कभी, हाँ सर इसकी यूनिट, हाँ सब, हाँ बोलिए सर। हाँ मानते हैं हम तो बोलते हैं कि इतने एरिया का है तो हम सेंटीमीटर लेते हैं, क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। सर सुनिए, हाँ सुन सर, सर आपकी आवाज़ आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है सर, बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है सर, थोड़ा वो साउंड तेज कर दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एरिया को, उसमें हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या लिखते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं इसकी एक यूनिट मिलती है हमको, मान लीजिए इसकी एक मिलती है मीटर और इसकी मीटर मिलती है, ठीक है।
ये यस हमारी सर क्या है, लेंथ और बेस है, और ये हमारी इसमें क्या होती है, लेंथ बेस और साथ में इसकी क्या होती है, हाइट भी होती है। ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम में ये डिफरेंस होता है। कोई पूछेगा डिफाइन कर लेंगे फ्रेस, फ्रेस हाँ सर, हेलो हाँ सर सर बोलो एरिया में एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ होती है और हाँ वॉल्यूम में लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है, हाँ तो इसमें और यूनिट भी वाइड भी चेंज होती है होती ना है। सर। हाँ इसमें यूनिट भी चेंज होती है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की हम अगर मीटर में नापते हैं तो केवल मीटर मल्टीप्लाई मीटर होता है, तो हमारा क्या होता है, सर क्या कहें, अगर हम इनकी यूनिट्स लेते हैं तो अगर हम एक हमारी लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, ठीक है, यस सर, यस दूसरी सर, हमारी ब्रेथ हो गई, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर हम क्या कहते हैं, सर MN MM, मीटर स्क्वायर। तो हम जब भी क्वेश्चन यस करते थे हमारा क्या होता था, फील्ड है वह एरिया 25 मीटर स्क्वायर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अगर हम वॉल्यूम यस लेंगे सर, तो हमको उसकी हाइट ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हाइट हाइट ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यस सर, हमारा क्या बन जाएगा, मीटर। ठीक थ्री है, स्क्वायर तो मीटर थ्री स्क्वायर ये आपको क्या कहते हैं, जब आप इसकी न्यूमेरिक्स करने लगेंगे या फिर आप जब मैथ में करोगे तो ये आपको आता है। इसके ऊपर बीच में बता दिया गया कि एरिया और वॉल्यूम में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यस सर। फिक्स द वॉल्यूम, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड पुल्ड एंड आर ड्रॉप, अगर इनको छोड़ा जाए या तोड़ा जाए तो क्या होता है। अब आता है, ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, ये जो पेन बुक और ये सब बताए गए किसके एग्जांपल्स हैं, सॉलिड के। सॉलिड आपने एक दो बताए जैसे ब्रिक्स हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड्स यस हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स दैट इज हैव निग्लिजिबल क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स सर क्या, कंप्रेसिबिलिटी, बुक में लिखा है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है अगर हम लिक्विड को दबाते हैं तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड जो होता है उसको हमारी कंप्रेसिबिलिटी उन दोनों की अपेक्षा कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं निलिजिबल होती है। ठीक है, सॉलिड्स यस सर, हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में क्या होता है, ब्रिक्स जैसे हुआ, अब हम उसमें आउटसाइड फोर्स लगा रहे हैं तो उसके पास एक टेंडेंसी होती है मेंटेन देयर शेप, कि अगर ब्रिक्स ये है, मान लीजिए आपका ये ब्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ब्रिक्स है आपका, तो इसके पास एक टेंडेंसी है कि अगर हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस कम होगा। ठीक है, यस सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अब क्या कहते हैं, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते बट इसको ब्रेक कर सकते हैं, सो दे आर रिजिड। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंजेज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इट इज अ सॉलिड। सर, हाँ सॉलिड सर आप सर पेन नंबर थोड़ा बताइए सर, यहाँ सर पेन नंबर से मैच नहीं हो रहा, पहला जो आप बताएं वो ठीक था सर, अब यहाँ दिख नहीं रहा कौन सा आप बोल रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने ओपन किया है तो यस सर, होगा ना सर, उसमें सॉलिड स्टेट आपने खोला, यस सर, नीचे देखिए लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग, ए नंबर लिखा है, फिर उसके नीचे बी नंबर है, फिर सी नंबर है, मेरा से सर नहीं सर, 1.9 दिख रही है। 7.9 तो सब ठीक है, एक्टिविटी 1.9। हाँ सर एक मिनट,
प्रिया आपको मिला या आपके बैठ के बच्चों सुन नहीं है? प्रिया भी श्रेष्ठ को, प्रिया भी श्रेष्ठ, प्रिया को भी श्रेष्ठ को भी एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिफरेंस बताया क्या? आप बाहर चली गई थी, क्लियर है प्रिया? यस सर। क्या होता है एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस? बताइए प्रिया, फ्रेश मिला? यस सर, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, यस सर। अब क्या कह रहा है? व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज अ सॉलिड। अब कह रहा है हम जब ने ब्रिक लिया, बुक लिया, पेन लिए, तो हम इसको कंप्रेस नहीं कर रहे, बट हमारा जो रबर है वो स्ट्रेच हो जा रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब कह रहा है हमारा जो सॉल्ट है या शुगर है, ये भी हम जब डिफरेंट जार में कर रहे हैं तो ये डिफरेंट जार का शेप ले ले रहा है, तो क्या ये शुगर और साल्ट क्या है, ये सॉलिड है? बताया क्या होगा? शुगर और साल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। शुगर और साल्ट, सर क्या पूछे? अगर हम शुगर और साल्ट को सुनाई दे रहा से? जैसे सुनाई दे रहा, बोलिए आप। कह रहे हैं अगर हम शुगर और साल्ट को अगर हम डिफरेंट जार में डाल रहे हैं तो वो उस जार की शेप को ले दे रहा है, तो ये जो हमारा शुगर और साल्ट होते हैं क्या ये सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं? सी है आपका, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज अ सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? अब कह रहे थे जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया सॉलिड को तो बोल रहे हैं कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और क्या कह सकते yes, हैं ये अपनी डिफिनिट शेप को चेंज नहीं करता, बट हम देखते हैं जब शुगर और सॉल्ट के साथ कि हम जिस जार में डाल रहे हैं वो उस वॉल्यूम को ले ले रहा है। मानिए आपकी ये सर लिक्विड होंगे सर, सॉलिड और सॉल्ट नहीं। अब ये क्या है, अभी इसके बारे में ही क्या कहते हैं, यही कहना है कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसके बारे में क्या होता है, ये क्यों होता है, ये आपको नीचे बताया जाएगा। ठीक है, all the above are solid as a rubber band change shape under force and regains the same size when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. अब क्या कह रहे हैं कि रबर बैंड को जो हम लोग कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या करता है, तनता है, बट क्या होता है जब हम इसको छोड़ देते हैं या इस पे जो फोर्स लगाए हुए हैं उसको जब छोड़ देते हैं ये अपने ओरिजिनल रीजन में चला जाता है। ठीक है, अपने डिफरेंट शेप में आ जाता है। हाँ, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार। अब कह रहा है कि ये जो शुगर इनको हम जार में डाल रहे हैं तो इनका वॉल्यूम भले चेंज हो रहा है, बट अगर आप इनको इंडिविजुअल लेंगे तो उनकी जो शेप होगी वही बनी रहेगी। ठीक है, और जब हम लोगों ने मैटर के बारे में, जब हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था तो फर्स्ट हमारा यही था कि मैटर पॉलिटिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे शुगर या साल्ट के एक एक पार्टिकल्स है, जब इनको हम जार में डालते हैं। ठीक है, यस सर। सेम ऐसे हमारा है अ स्पॉन्ज हैज अ मिनट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब कह रहा है जो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में समझते हैं सर, वो सर जब सर स्पॉन्ज मतलब सर जो दबता हो जैसे रबर सर, स्पॉन्ज ही होता है, स्पॉन्ज होता है जैसे आपकी साइकिल की सीट कवर्स में लगे होते हैं या फोर व्हीलर तो उसमें सीट कवर्स होते हैं, या कभी आप, हाँ, या फिर आपने कभी देखा होगा जैसे पिया लोग का है, ये लोग जब स्पॉन्ज यूज करती हैं वहाँ जब बर्तन वर्तन साफ करती हैं घर में तो स्पॉन्ज होता है, उसमें हम जब क्या कहते हैं कुछ डालते हैं उसको जब प्रेस करते हैं कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होता है। तो कह रहे हैं जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक जो होल्स में क्या कहते हैं जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और जब हम छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक एयर फिर भर जाती है। ठीक है,
फिर आता है आपका द लिक्विड स्टेट. वी इसमें कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक. अब ये सब क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स हैं. कौन कौन से सर? जूस, मिल्क, ऑयल, वाटर, पेट्रोल. ठीक है, अब ये क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स है. ठीक है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. अब कह रहा है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप. अब डिफरेंट शेप की कंटेनर्स मीन्स क्या होते हो गया? डिफरेंट शेप की कंटेनर्स मीन्स क्या हो गया? बताइए पूछिए. डिफरेंट स्टेट के कंटेनर का कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट स्टेट के कंटेनर, डिफरेंट शेप के. अच्छा, डिफरेंट शेप के कंटेनर. मान लीजिए एक कंटेनर हमारा ऐसे है, ये ओपन ओपन ऊपर ओपन है. कभी आप पेट्रोल टैंकी जाएंगे, मेजरिंग कराएंगे तो ऐसे होता है. तो कह रहे आप अगर आप डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स लेते हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर, मिल्क, कुकिंग ऑयल, जूसेस यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, व्हाट विल हैपन इफ द लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. अब हम लिक्विड को फैला देते हैं फ्लोर पर, तो ये क्या करता है? वाटर या लिक्विड या कुछ भी जो लिक्विड चीजें हैं, अगर हम फ्लोर पे उसको स्प्रेड करें तो क्या होगा? सब फैल जाएगा. फैल जाएगा, ठीक है. मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. अब हम क्या कह रहे हैं, 50 ml इसमें मिला रहे हैं, 50 ml इसमें मिला रहे हैं, 50 ml इसमें मिला रहे हैं वाटर. अब हम देखते हैं तीनों के वॉल्यूम क्या होंगे, डिफरेंस होंगे. अब वॉल्यूम में आता क्या क्या है हमारा, आपकी ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है सर? यस सर. हाइट आ जाएगी और उसकी ब्रेथ, ठीक है, सिलेंड इनटू हाइट इनटू ब्रेथ, ठीक है. अब देखेंगे तीनों की वॉल्यूम क्या होगी, अलग अलग आएगी. बट हमारा जो क्या कहते हैं पार्टिकल था वो हमारा कितना एमएल था, केवल 50 ml था. यस सर. ठीक है, इससे हम देखते हैं कि लिक्विड को हम जैसे भी जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी की वॉल्यूम कंज्यूम कर लेती है. ठीक है, दस द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम व्हेन यू प्योर द लिक्विड फॉर्म ऑफ द कंटेनर इनटू अनदर, इट इज फ्लो इजली. अब क्या कहते हैं, लिक्विड होता है वो इजली क्या कहता है, फ्लो करता है. फ्लो किस साइड से किस साइड होता है पता है सर? क्या किसी चीज का फ्लो किस साइड से किस साइड होता है पता है? वाटर का. किसी भी चीज की अगर हम कह रहे हैं फ्लो हो रही है तो किस साइड से किस साइड होती है पता है सर? नहीं सर, ये बता तुम पास आपकी मिस्ट तक पहुंच जाएगी, इसके बाद आगे रिवाइज करेंगे. फिर मंडे से आपका सेकेंड चैप्टर चलेगा, ठीक है? तो कोई भी चीज की फ्लो होती है वो प्लस से हम देखा ठीक है सर. प्लस से माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? सब प्लस यानी पॉजिटिव, ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं. हाँ सर भाई, ज्यादा और माइनस में निकाल वो कम की साइड होती है. जैसे कि हम लोग किचन में देखते हैं, जब हम किसी चीज को पैन को गर्म करते हैं तो पहले पैन नीचे जहाँ उसको ज्यादा हीट मिल रही वहां हो जाता है, फिर धीरे धीरे पैन गर्म होते 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 उसकी हैंडल भी गर्म हो जाती है. तो यानी कि वो जहाँ पहले हीट ज्यादा पा रहा है वहां से वो जहाँ पे कम हीट पा रहा है उस तरफ फ्लो करता है. ठीक है, सेम ऐसे हमारा जो लिक्विड है वो भी फ्लो करेगा.
अभी आप लोगों न्यूज में देख रहे होंगे बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है ना, फ्लोटिंग हो रही है जगह जगह पे। आप लोगों ने न्यूज देखा होगा कि महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है, बिहार बिहार जा रहा है, आसाम जा रहा है, आसाम में ये ठीक है। तो ये क्या है, अभी ये पहाड़ है या कहिए कुछ या झील है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जगह में अब पानी यहाँ पे भरा है, अब ये ज्यादा मतलब तो कहाँ निगेटिव साइड, जहाँ पे उसको ढलान मिल रहा है, जहाँ उसको फ्लो करने का एक वो मिल रहा है। तो हमेशा चीजें पॉजिटिव से निगेटिव साइड जाती है, ठीक है। अभी क्लास आपकी कट जाएगी हो सकता है। तो ये है जब इसके आगे हम एक बार और रिवाइज करेंगे इसको, चैप्टर वन साथ आपका चैप्टर टू सर फिर ज्वाइन करना है क्या चीज, नहीं नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा अब क्लास टेन से स्टार्ट करेंगे अगले टाइम नहीं, हाँ अगली क्लास क्लास टेन से भी, आज आपकी जो क्लास थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। जिसमें आपको दो तीन चीज बताई गई, एरिया वॉल्यूम मैटर ऑफ स्टेट, व्हाट इज मैटर, मेरे को शायद लग